दोस्तों न्यूटेक गैजेट हमेशा से आपके लिए कुछ बेहतरीन गैजेट्स लाने की कोशिश करता है और आज की इस वीडियो में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे गैजेट जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी कि कुछ ऐसे बेहद जुगाड़ू गैजेट जो आपको बहुत ही ज्यादा स्पेशल फील कराएंगे। तो शुरुआत करते हैं इस सीरीज की, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नंबर 10, पल्स मल्टीपल डिस्प्लेस। ऑफिस में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कि कंप्यूटर पर होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे काम होते हैं जिनके लिए मोबाइल फोन ज्यादा बेहतर माना जाता है। और अगर आप भी अपने मोबाइल फोन को थोड़ा सा प्रोफेशनली यूज करने का सोच रहे हो तो ये गैजेट आपको बेहद खास नजर आएगा। दोस्तों दरअसल ये एक तरीके का ऐसा छोटा सा गैजेट होता है जो कि आपके मोबाइल फोन को आपके लैपटॉप के साथ अटैच कर देता है, यानी कि दूर से देखने से ऐसा लगेगा जैसे कि आपके मोबाइल फोन एक सेकेंडरी स्क्रीन की तरह यूज हो रहा है आपके लैपटॉप के साथ। हालांकि ऐसा नहीं होता है, आप उसे एकदम इंडिविजुअली इस्तेमाल करते, लेकिन कहीं न कहीं ये आपके काम को थोड़ा सा आसान बना देता है क्योंकि इससे आपका मोबाइल फोन आपके एकदम सामने रहेगा और आपकी नजरें भी उस पर रहेंगी, यानी कि किसी भी तरीके के काम के लिए आप बहुत उसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो कमाल का गैजेट ये रहता है जो कि मेरे को पर्सनली काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा है। इसे यूज करना भी बेहद आसान रहेगा। यहाँ पर आपको एक छोटी सी मैग्नेटिक डिस्क दे रखी होती है जिसे कि आप अपने फोन पर चिपका देते हैं, जिसके बाद आप अपने मोबाइल फोन को इजीली इसमें माउंट और अनमाउंट कर सकते हैं। तो अगर आप भी खरीदना चाहते हैं इस छोटे से गैजेट को तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेंगे। नंबर 9, कॉलर परफेक्ट ट्रैवल आयरन। दोस्तों अगर आप कहीं बाहर किसी सिटी में जाते हैं और अपने साथ ढेर सारे अगर आप कपड़े ले जाते हैं तो यकीनन वो रखने में कहीं ना कहीं सिकुड़ जाते होंगे, और इसके बाद अगर आपको कोई पार्टी अटेंड करनी हो या फिर कोई मीटिंग वगैरह में जाना हो तो काफी ज्यादा ऑकवर्ड लगता है ऐसी सिचुएशन में। तो अगर आप चाहें तो कैरी कर सकते हैं अपने साथ इस तरीके के छोटे से गैजेट को, जो कि खास तौर पर ऐसी सिचुएशन के लिए ही बनाया गया है, जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपने कपड़ों को रिंकल फ्री करने के लिए, यानी कि साइड में बेहद छोटा सा इस आयरन का इस्तेमाल करके आसानी से आप अपने कपड़े प्रेस कर सकते हैं। बात अगर इसके साइज की करी जाए तो इसका साइज काफी ज्यादा छोटा रहेगा, जिससे कि इजीली इसे आप अपने ट्रैवल बैग में लेकर कैरी कर पाएंगे। तो इस तरीके का गैजेट बहुत ज्यादा जुगाड़ू टाइप रहता है, जिसका इस्तेमाल आप अपने ट्रैवल टाइम में कर सकते हैं। नंबर 8, सेल्फी टाइप। दोस्तों आपने कीबोर्ड्स तो काफी सारे देखे होंगे और इस्तेमाल भी किए होंगे, लेकिन मोबाइल फोन और टैबलेट के साथ कीबोर्ड्स को अटैच करने की बात आए तो आप इसमें स्क्रीन से टाइप करना ज्यादा बेहतर मानते हैं। लेकिन अगर आपको काफी ज्यादा कंटेंट टाइप करना हो या फिर अगर आपका कोई प्रोफेशनल काम हो तो आपको कोई ना कोई कीबोर्ड अटैच करना ही पड़ेगा। तो अगर आपके साथ भी कोई ऐसी सिचुएशन कभी आई हो तो एक अच्छी खबर आपके लिए सैमसंग लाया है, जिससे कि आप अपने सेल्फी कैमरा का इस्तेमाल करके मोबाइल फोन या फिर टैबलेट में टाइपिंग कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, फिलहाल अभी इसे एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाया जा रहा है, जिसमें कि सैमसंग अपने कुछ बड़े वेरिएंट्स में ही इस फीचर को डाल रहा है, जिससे कि सेल्फी कैमरा की मदद से टाइपिंग की जा सके। बस आपको करना इतना होगा कि अपने टैबलेट या फिर मोबाइल फोन को सामने रखना होगा और सेल्फी कैमरा के सामने आप जैसे ही फिंगर्स को मूव कराएंगे तो एक लेटर टाइप होता हुआ चला जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं आपकी टाइपिंग स्किल को भी बढ़ाएगा और आपका काम भी आसान बना देगा। तो कमाल की चीज रहती है, जिससे कि आप टेबल पर बैठकर ही इशारों में उंगलियों से आप टाइपिंग कर सकते हैं और इसके लिए आपको कोई कीबोर्ड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 7, वॉर्टेक्स एनवायरमेंटल सिमुलेटर फॉर पीसी। दोस्तों आजकल बहुत से लोग कंप्यूटर में गेमिंग करना पसंद करते हैं, लेकिन गेम कैसा भी हो कहीं न कहीं आपको वो रियलिटी वाली फीलिंग नहीं दे पाता है, क्योंकि आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है वो एकदम जीरो होता है और आप जब गेम खेलते हैं तो आप एकदम उसके अंदर खो ही जाते हैं। तो अगर आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी अपने गेम जैसे एनवायरनमेंट में बनाना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके के गैजेट को ट्राई करके देखिएगा, जो कि एक ऐसा एनवायरनमेंटल सिमुलेटर होता है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को मैच करा सकते हैं अपने गेम के एनवायरनमेंट से। मान लीजिए अगर आपने कोई बम डाला है, वहाँ पर काफी ज्यादा हीट होती है, धमाका होता है, और अगर आप इस धमाके को हल्का सा फील करना चाहते हैं तो ये गैजेट आपके आसपास का माहौल कुछ वैसा ही बना देगा। साथ ही इसमें बहुत सारे एयर फ्लो मोड्स होते हैं जो कि आपको गर्म ठंडी हवा जैसी फ्लो करते रहेंगे, जो कि कहीं ना कहीं आपके आसपास के एनवायरनमेंट को भी एकदम सेट कर देता है, जो कि कहीं ना कहीं गेमिंग रियलिटी को फील कराने में काफी ज्यादा बेहतर रहता है। तो काफी पसंद आने वाला है गेमर्स को इस तरीके का गैजेट, जो कि एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी का एग्जांपल होगा। नंबर 6, क्लेंस बॉट। दोस्तों हम अपने आसपास साफ सफाई का आजकल खास तौर पर ध्यान रख रहे हैं, लेकिन एक चीज पर हमारा ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाता है, जिसका साफ होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही समझा, वो रहती है हमारी बेडिंग्स। जितनी ज्यादा हमें वो साफ दिख रही है, लेकिन उतनी साफ वो होती नहीं है, क्योंकि हम अपने दिन भर में से कोई भी काम करें और आके सीधे बेड पर बैठ जाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं उसे गंदा कर देता है। हो सकता है वो गंदगी आपको दिखाई ना दे रही हो, लेकिन वायरस और बैक्टीरिया के रूप में यकीनन वो हमारे बेड्स पर होते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल रहेंगे। तो अगर आप चाहते
चाहते हैं इसे पूरी तरीके से साफ करना, तो इस तरीके के गैजेट खास तौर पर बनाए गए हैं जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी बेडिंग्स को यूवी स्टरलाइज कर सकते हैं। ये एक तरीके का रोबोटिक गैजेट होता है जिसे कि आप ऑन करके अपने बेड पर छोड़ देते हैं। ये आपके बेड में चारों तरफ घूम घूम के अच्छी तरीके से उसे साफ कर देता है, बैक्टीरिया फ्री कर देता है, जिससे कि आप एकदम टेंशन फ्री होकर इसे इस्तेमाल कर पाए। साथ ही दोस्तों यहाँ पर इसे हाथ से पकड़ने के भी ऑप्शन दे रखे होते हैं, यानी कि बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जैसे कि आपका मोबाइल फोन, टीवी के रिमोट वगैरह, उसे भी अगर आप यूवी स्टरलाइज करना चाहते हैं तो इसकी मदद से आसानी से वो काम कर सकते हैं। नंबर 5, बायोलाइट फायर पिट। दोस्तों सर्दियों के मौसम में अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग आग जलाकर बैठते हैं और उसकी गर्माहट का मजा लेते हैं। ये अपने आप में एकदम अलग ही फील होता है जिसे कि हर कोई एंजॉय करना चाहता है। तो अगर आप इस चीज को थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो इस तरीके के गैजेट को ट्राई करके देख सकते हैं, जो कि एक ऐसा गैजेट होता है जो कि आग जलाए रखने में आपकी मदद करेगा। अगर आप नॉर्मल किसी चीज में आग जलाते हैं तो लगातार आपको खुरपेची करनी पड़ती है जिससे कि आग लगातार जल सके, लेकिन अगर आप ट्राई करते हैं इस गैजेट को तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं करना होता है। इसके साथ आपको एक बर्निंग चैम्बर मिल जाता है जिसके बगल में ये गैजेट लगा होता है जिसमें कि फैंस लगे रहते हैं। इन फैंस की स्पीड कंट्रोल करके आप इसकी आग को भी कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि कहीं न कहीं काफी कमाल की बात रहेगी। इसके कंट्रोलिंग के ऑप्शन आपको मोबाइल फोन पर दे रखे होंगे जिससे कि इसके ऐप से इसे ऑपरेट किया जा सकता है। साथ ही इमरजेंसी सिचुएशन में इसका इस्तेमाल आप एक पावर बैंक के तौर पर भी कर सकते हैं जिससे कि मोबाइल फोन वगैरह आसानी से इससे चार्ज हो जाएंगे। तो काफी कमाल की चीज रहती है जिसकी जरूरत सर्दी के मौसम में सभी को पड़ सकती है। नंबर 4, एकासो किचन व्लॉग कैमरा। दोस्तों आजकल बहुत सारे लोग व्लॉगिंग करना चाह रहे हैं जिसके लिए वो अलग अलग तरीके के कैमरास का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन व्लॉगिंग के लिए कैमरा मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए जो कि साइज में बेहद छोटा हो, जिसे कि कैरी करना बहुत आसान हो। तो ये कैमरे में मेरे को ये चीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी है जिससे कि आसानी से व्लॉगिंग की जा सकती है। दोस्तों ये एक 4K क्वालिटी कैमरा होता है जिससे कि आप 4K क्वालिटी की वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं, साथ ही इसे इस्तेमाल करना भी बेहद आसान रहेगा। इसके साथ आपको एक इसका ऑफिशियल ऐप सपोर्ट दे रखा होता है जहां पर आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं इसे रिकॉर्ड की गई। साथ ही दोस्तों इसे आप आसानी से माउंट कर सकते हैं कैसी भी जगह पर। साइज में छोटा होने की वजह से इसकी काफी सारी छोटी छोटी एक्सेसरीज भी आपको देखने को मिल जाएंगी जिससे कि इसे अटैच करके आसानी से यूज किया जा सकता है। इसे अगर आप चाहें तो अपने हेड पर भी लगा सकते हैं, बैकपैक पर भी अटैच कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों ये आपके हाथों में भी बहुत ही इजिली ग्रिप कर सकता है जिससे व्लॉगिंग का एकदम मजा ही आ जाता है। तो अगर आप भी एक ऐसा छोटा सा टिकाऊ कैमरा चाहते हैं जिससे कि आप बेहतर क्वालिटी की वीडियोस रिकॉर्ड कर सके तो व्लॉगिंग पर्पस से ये कैमरा बेहद अलग रहेगा। नंबर 3, गोट्यूब इलेक्ट्रिक स्कूटर। दोस्तों अगर मैं आपको एक ऐसा ई स्कूटर दिखाऊं जो कि एक ई स्कूटर की तरह दिखने में लगे ही ना, तो हो सकता है आपको ये चीज थोड़ी सी अजीब लगे, लेकिन जी हाँ दोस्तों इस गैजेट में कुछ ऐसा ही होता है। सबसे पहले अगर हम बात इसकी डिजाइन की करते हैं तो ये एकदम ट्यूब जैसा लगता है जो कि देखने में बिल्कुल भी एक स्कूटर जैसा लगेगा ही नहीं, जिसे कि इजीली आप फोल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इसकी परफॉर्मेंस की तो ये चीज आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। दोस्तों इसे आप सिंगल चार्ज पर लगभग 12 किलोमीटर तक की रेंज में कहीं भी ले जा सकते हैं अनफोल्ड करके। साथ ही यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड आपको 16 किलोमीटर पर आर की मिलती है जो कि काफी बेहतर रहेगी। वहीं दोस्तों इसे आप नॉर्मली चार्ज कर सकते हैं जिसका चार्जिंग टाइम लगभग 2 घंटों का होगा, और आप इसे डुअल स्पीड मोड पर चला सकते हैं जहां पर आपको 2 ऑप्शंस मिल जाएंगे स्पीड को एडजस्ट करने के। तो काफी बेहतर रहता है इस तरीके का गैजेट जिसका इस्तेमाल हो सकता है फ्यूचर में आपको काफी बड़े स्तर पर देखने को मिले, लेकिन फिलहाल अभी ये काफी कमाल की चीज रहेगी। नंबर 2, एनी लॉक। दोस्तों आप अपने मोबाइल फोन को सिक्योर बनाने के लिए क्या करते हैं, उसमें पिन लगाते हैं, पासवर्ड लगाते हैं या फिर फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक जैसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं पूछूं कि सबसे बेहतर आपके लिए कौन सा अनलॉकिंग सिस्टम रहता है, तो शायद आप फिंगरप्रिंट स्कैनर को काफी ज्यादा प्रायोरिटी देंगे क्योंकि ये काफी ज्यादा फास्ट होती है, सेफ एंड रिलायबल होती है, यानी कि आप जब तक उंगलियां लगाएंगे नहीं तब तक फोन आपका कोई टच नहीं कर सकता। तो काफी ज्यादा बेहतरीन रहता है फिंगरप्रिंट अनलॉकिंग का सिस्टम जो कि आप हो सकता है आपको तालों में भी देखने को मिले। जी हां दोस्तों, ताला चाबी के खेल में यहाँ पर चाबी अभी यहाँ पर मिसिंग होती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि उसकी जगह आप इस्तेमाल करते हैं अपनी फिंगर्स का इसे अनलॉक करने के लिए। ये एक ऐसा ताला होता है जो कि आपकी फिंगरप्रिंट स्कैनर से ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको किसी मोबाइल फोन, ब्लूटूथ या फिर किसी इस तरीके के कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती जिसमें काफी लंबी लंबी झंझट हो। बस इसमें आप अपना फिंगरप्रिंट लगाइए और आसानी से अनलॉक करिए। तो कमाल का रहता है इस तरीके का गैजेट जो कि मेरे को बहुत ही ज्यादा मजेदार लगा है। तो इस गैजेट के लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता ही बनता है। नंबर 1, रॉनी मिनी हीटर।
दोस्तों सर्दियों का मौसम है और ऐसे में हम सभी लोग एक ऐसे ब्लोवर या फिर हीटर की तलाश में है जिससे कि कहीं न कहीं सर्दी से बचा जा सके। तो अगर आप भी ऐसा कोई गैजेट तलाश रहे हो तो इस गैजेट को एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। ये एक ऐसा हीटर होता है जिसे कि आप आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे अपनी ऑफिस टेबल पर भी रखकर, क्योंकि ये साइज वाइज काफी ज्यादा छोटा होता है। इसके पीछे की तरफ फैंस लगे रहेंगे और आगे की तरफ हीटिंग कॉइल्स लगी होती है, और साथ में यहाँ पर आपको एक एडिशनल हैंड वार्मर भी मिल जाता है जो कि आपके हाथों को गर्म रखने का काम करेगा। दोस्तों इसमें मल्टीपल फैन स्पीड भी देखने को मिलेगी जिसे कि आप फ्रीली एडजस्ट कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, और हैंड वार्मर का इस्तेमाल करके हाथों को आसानी से गर्म किया जा सकता है। इसमें एडवांस सेंसर्स भी लगे होंगे जो कि इसे सेफ एंड सिक्योर बनाते हैं, यानी कि ये अगर गिर जाता है या फिर चारों तरफ से ढका होता है तो फौरन यहां पर आपकी बीप की साउंड आएगी और ये बंद हो जाएगा। तो काफी ज्यादा सेफ रहता है रूम के अंदर इस्तेमाल करने के लिए छोटा सा हीटर, जो कि मेरे को भी काफी इंटरेस्टिंग लगा है। तो कमेंट करके आप भी मेरे को जरूर से बताएगा इस गैजेट के बारे में कि आपको ये गैजेट कैसा लगा है। साथ ही वीडियो में दिखाए गए किसी भी गैजेट को अगर आप खरीदना चाहते हैं या फिर इनके बारे में आप और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनके लिंक्स देखने को मिल जाएंगे जहां से जाकर आप चेक कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।